कार्नोट ने दिमाग में लगाया कि भाई हम दिमाग में एक बहुत अच्छा पॉइंट लिया कि अगर हम कोई ऐसी साइकिल बनाए जिसमें ज़्यादा ज़्यादा रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो हमारे पास अच्छी बात ये रहेगी रिवर्सिबल प्रोसेस में कि कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वर्डन ज़्यादा मिल जाएगा। तो यानी इस तरह की साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो कार्नोट के पास यही था कि कितने साइकिल से हम एक पूरा सिस्टम बना सकते हैं, तीन चार जो भी हो। तो उसने चार साइकिल, चार प्रोसेस से साइकिल बनाई। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल की खास बात क्या थी? इन द कार्नोट साइकिल ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल। लिखिए मेरे साथ, इन द कार्नोट साइकिल ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल इन विच टू प्रोसेस आर रिवर्सिबल, एडियाबेटिक एंड अदर टू आर एंड अदर टू आर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारे पास उसने डिजाइन किया, जिसको हमने क्या नाम दिया? कार्नोट साइकिल। सेकेंड पॉइंट, बिकॉज ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, सो द एफिशिएंसी, द वर्क एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल इज वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। तो ये हमारे लिए वर्क एफिशिएंसी इसकी क्या होती है? बहुत ज़्यादा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, कंपेयर टू एनी अदर साइकिल, वेरी हाई कंपेयर टू एनी अदर साइकिल। हमें ये निकालना था कि किसी भी और साइकिल से जब कार्नोट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो वो है कितनी। तो देखते हैं, हम पहले कार्नोट साइकिल बनाएंगे। हम कार्नोट साइकिल इन पीवी कर्व, ये हमारे पास साइकिल थी जिसमें हमारे पास ए बी सी डी इस तरह से हमारे पास प्रोसेस हुए। तो आप बताइए इसमें ए बी प्रोसेस का नाम क्या होगा? ए बी का रिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्योंकि स्लोप कम है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन कर दिया जाए। ए बी के बाद बी सी कर्व का नाम क्या दिया जाए? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन कर दिया जाए। फिर उसके बाद सी डी का नाम क्या दिया जाए? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन लिख दिया जाए। और फिर उसके बाद बचा डी ए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये आपके पास चार प्रोसेस थे, प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अच्छी बात है। मान लीजिए यहां पर टेम्परेचर T1 था, तो यहां पर भी क्या रहेगा? T1। यहां T2 होगा और ये भी क्या होगा? T2। इज दैट क्लियर? यहां हीट T1 से T1 ही है, पक्का एक्सपांशन हुआ है, वर्क डन बाय सिस्टम हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं बाहर से एनर्जी तो आई होगी, तो यहां से क्यू जो आ रही है वो इनकमिंग है, सही है। और डब्ल्यू यहां पर क्या होगा? ऑब्वियसली डब्ल्यू यहां पर नेगेटिव होगा। और यहां पर क्यू के, और क्या बोल सकते हो, डेल्टा ई यहां क्या होगी? जीरो, ई जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है।
मान लीजिए इस क्यू का नाम मैंने Q1 रख दिया, यहां Q2 जाएगा, वही W जो कि अपने आप में यहां पर पॉजिटिव होगा, और डेल्टा E यहां पर भी क्या होगा, जीरो। यहां Q कितना है इस जगह, जीरो एडियाबेटिक होने की वजह से, और यहां पर भी Q हमारे लिए कितना है, जीरो एडियाबेटिक होने की वजह से। कोई डाउट? तो दो प्रोसेस में हीट एक्सचेंज हुई है, एक में हीट आ रही है, एक में जा रही है, और दो में तो हीट का कोई चेंजेज हुआ ही नहीं है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्नोट ने इस तरह से बताया, और हमें ये बताया कि अगर हम इस कार्नोट के अंदर वर्क के ऊपर वर्क बात करें, वर्क एफिशिएंसी पे बात करें, तो आप ही देख सकते हैं कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा ई कितना होता है, जीरो। W कितना होता है, Q नेट, और Q नेट की वैल्यू कितनी है, एक तरह से अगर हम W मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q1 माइनस Q2 मोड में ही बात करेंगे हम, ये हमारे लिए W होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है एफिशिएंसी क्या है, तो मुझे यहां पर एफिशिएंसी बोलने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है एफिशिएंसी किसी भी साइकिल के लिए W मोड में ही लिखना होता है, Q मोड में ही लिखना पड़ता है, कितनी हीट आई और 10, मतलब आपने कितना हीट लिया और उसमें से कितना वर्क में चेंज किया, और वो ही आपके लिए 100 × 100, ये आपके लिए वर्क एफिशिएंसी रहेगी। वर्क एफिशिएंसी बोल दीजिए या एफिशिएंसी ऑफ साइकिल बोल दीजिए, ये मेरे पॉइंट में है कि वर्क एफिशिएंसी या एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इस तरह से मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हम इसको किसी और फॉर्मेट में निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि हो ये रहा है कि W की वैल्यू, अभी हाल हमने डिस्कस की है, W की वैल्यू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 है, बिल्कुल सही है। अब Q1 की वैल्यू मुझे रखना है या देना है, तो आप अच्छे से जानते हैं Q1 की वैल्यू आइसोथर्मल है, तो Q1 की वैल्यू, और वो भी मैग्नीट्यूड में ही रखना है मुझे, तो आप खुद देख लीजिए Q1 की वैल्यू क्या होगी, W ही होगी, और W की वैल्यू क्या होती है, वैसे तो माइनस W होती है, और W की वैल्यू क्या होती है, माइनस माइनस प्लस 2.303 एन आर टी 1 लॉग V2 बाय V1, ये V2 बाय V1 यानी VB बाय V है, VB बाय V है, और Q2 की वैल्यू जो आएगी वो भी माइनस W 2.303 एन आर टी 2 लॉग, यहां आपके पास क्या हो जाएगा, VD बाय VC, VD बाय VC, कुछ समझ में आ रहा है, बोलो यस। तो ये हमारे पास हो गया, क्या हो गया हमारे पास, Q1 और Q2 बाय फर्स्ट लॉ। तो आप मुझे बताएं VB और VA में क्या रिलेशन है, देखिए बहुत इजी है, ये एडियाबेटिक है, ये एडियाबेटिक है, ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस है या नहीं है, पक्का? तो जब ये एडियाबेटिक है तो यहां पर अगर आप बात करोगे, इन दोनों का एडियाबेटिक रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे, टेम्परेचर दोनों के लिए T1 T2 रेंज में जा रहे हैं, यहां T2 T1 में रिलेशन में जा रहे हैं, तो क्या आप एडियाबेटिक से हम कुछ निकाल सकते हैं, बी सी एंड डी ए प्रोसेस आर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप क्या जानते हो, पीवी गामा इक्वल टू क्या जानते हो, कांस्टेंट, तो पीवी गामा कांस्टेंट जानते हो, और आपको पी नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको, टी, क्योंकि टी की फॉर्मेट में निकालना आसान रहेगा, तो पी को हटाने के लिए आप क्या करोगे, पी इक्वल टू एनआरटी
बाय वी, यानी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बन सकता है या नहीं बन सकता? मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था वी बी बाय वी ए और वी डी बाय वी सी में रिलेशंस, कोई दिक्कत नहीं है? तो थोड़ा सा अगर आप मेहनत करो इन दोनों प्रोसेस के लिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा और आप कुछ ही सेकंड में पूरा क्वेश्चन कर जाएंगे। जैसे देखो ध्यान से, यहां से यहां के लिए लिखो, बी सी के लिए, फॉर बी सी के लिए क्या हो जाएगा आपके लिए, टी वन वी वन जो या जो भी बोलना चाहे, वी बी गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी सी गामा माइनस वन, क्या मैं बोल सकता हूं? एंड फॉर ए डी ए प्रोसेस के लिए टी टू वी डी गामा माइनस वन टी वन, ऊपर टी वन हो जाएगा वी ए गामा माइनस वन, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया इक्वेशन वन और टू को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वी बी बाय वी ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वी सी बाय वी डी, होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो जब दोनों की वैल्यू होगी बराबर तो मैं क्या समझ सकता हूं, यहां पर मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं क्या उल्टा आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से मेरे ये रिलेशन आ रहा है बिल्कुल। अब मैं ये वैल्यूज वहां रखना चाहूंगा, ये मैग्नीट्यूड में जाएगा, अगर आपका ये मैग्नीट्यूड में रहेगा तभी ये आपका आंसर सही जाएगा। चलिए ठीक है, मैग्नीट्यूड में रखते हैं अपन। तो जब आप ये मैग्नीट्यूड में रखेंगे हर चीज, तो ये रिलेशन उठा के वहां रख दिया एफिशिएंसी, लेकिन फिर भी आप मैग्नीट्यूड में रखें, समझ में आ रहा है? क्योंकि अपन साइन को लिखना ही नहीं चाह रहे यहां पर। तो बाय, ये हमारे लिए इक्वेशन सेकंड थी, ये फर्स्ट सेकंड, ये डैश है और ये हमारे लिए सेकंड इक्वेशन है, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, बाय फर्स्ट डैश एंड सेकेंड डैश इक्वेशंस, ये काम हो गया। हमने उठा के ये चीजें वहां रखना चालू कर दिया Q1 की वैल्यू, तो जल्दी से Q1 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 2.303 एन आर टी वन लॉग वी बी बाय वी एल, चलने दीजिए, वी बी बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो यानी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, पॉजिटिव है, कंफर्म हो गया, माइनस 2.303 एन आर टी टू लॉग, मुझे ये पॉजिटिव रखना है, वी डी छोटा है वी सी, तो वी सी बड़ा है तो मेरे को ये अपने आप में भले कैसे भी हो वी सी बाय वी डी ही लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड हटाते ही, मैग्नीट्यूड हटाना है मेरे को, तो वी डी बड़ा है तो वी सी बड़ा है तो वी सी बाय वी डी लिखना पड़ेगा, या सुनो डिवाइडेड बाय क्यू वन की वैल्यू कितनी है टू, और वो भी मैग्नीट्यूड में, तो 2.303 एन आर टी वन लॉग वी बी बाय वी ए, कोई डाउट? अब ये वी बी बाय वी ए की, वी सी बाय वी डी की जगह वी बी बाय वी ए रख दो, बहुत सारी चीजें क्रॉस हो जाएगी, तो जब आप ये रख देंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, और क्या चीजें क्रॉस होगी, ये कॉमन ले लिए, ये कट, कॉमन लेते ये कट जाएगा इसका, एन आर 2.303, 2.303 एन आर 2.303 एन आर कट गया, तो आपके पास एन की वैल्यू नीटा है ये टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो 100 आएगा, यहां पर वहां पर भी 100 था, तो मल्टीप्लाई बाय 100, एफिशिएंसी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड में बात की है हर जगह, कोई समझ में आया बात?
लेकिन क्योंकि ये सब जगह है तो हमारे लिए सिर्फ कारनोट के लिए रहेगा, ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए लाएगा फॉर्मूला, इसे हम सब जगह यूज कर सकते हैं, इसी पर डिस्कस करेंगे अपन अभी और। लेकिन एक बात जो मुझे समझ में आ रही है कि एप्लीकेशन ऑफ कारनोट, एप्लीकेशंस ऑफ कारनोट साइकिल, फर्स्ट क्या मिल रहा है आपको एप्लीकेशन ऑफ कारनोट साइकिल? मुझे फर्स्ट जो बेनिफिट मिल रहा है कारनोट साइकिल का, समझे बाद में, वो ये मिल रहा है कि एनी रिवर्सिबल साइकिल गेटिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी या शो द मैक्सिमम एफिशिएंसी, शो द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इज T1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप खुद ही बताइए सेकंड, क्या ये 100 से ज्यादा होगी या कम होगी? नहीं, कम होगी, यानी एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन 100%। 100 कब हो सकती है? नीटा इज 100 ओनली टू केस, या तो T1 इनफाइनाइट हो जाए, कोई फायदा नहीं है, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट 1, वैसे तो नॉन डिफाइंड टर्म हो गया लेकिन 1 और 100, या फिर T2 जीरो हो जाए, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है, हाँ बहुत कंडीशन नॉट पॉसिबल, बहुत कंडीशंस नॉट पॉसिबल। बहुत कंडीशंस नॉट पॉसिबल, तो ये हमारे पास दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं थी, तो इससे हमने थर्ड रूल बना लिया। इट मींस फाइनल रिजल्ट, फाइनल पॉइंट हमारा ये रहेगा, एफिशिएंसी ऑफ एनी साइकिल इज ऑलवेज लेस देन 100%, और इन सिंपल वर्ड और इन सिंपल वर्ड्स, हीट कैन नॉट कन्वर्ट इन 100% वर्क, हीट कैन नॉट कन्वर्ट इन 100% वर्क, ये हमारे पास फाइनल रहेगा, यानी हीट का कुछ पार्ट आपका लिबरेट होगा ही होगा, सम अमाउंट ऑफ हीट शुड बी लिबरेट फ्रॉम सराउंडिंग अगेन, और सम अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट विल बी लिबरेट, लिबरेट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इन साइक्लिक प्रोसेस। तो कोई भी ऐसी साइकिल नहीं बनाई जा सकती जिसके अंदर सारे प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, ठीक है? वी कैन नॉट जनरेट ए साइकिल इन विच ऑल प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब, ये भी वर्ड लिखेंगे फोर्थ रिजल्ट। फोर्थ
फोर्थ पॉइंट, वी कैन नॉट जनरेट ए साइकिल इन विच हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब इन ऑल प्रोसेस, एब्जॉर्ब इन ऑल प्रोसेस। हीट एब्जॉर्ब इन ऑल द प्रोसेस। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा पॉइंट रहा कार्नोट साइकिल से रिलेटेड। सारे बहुत अच्छे पॉइंट निकल के आए, सब ट्रू फॉल्स असम्पशन रीजंस में आ सकते हैं। मजा आ जाएगा अगर ये चारों प्रोसेस पॉइंट्स आपके लिए हो गए, हाँ या ना? तो मैंने बहुत लिखाया आपको, अब ये सब पॉइंट्स उतारे हैं। अदर पॉइंट्स ऑफ कार्नोट साइकिल, कार्नोट की और भी बहुत सारी काम थे हमारे, हमें वो भी लिखना है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट को मैं अलग ही तरह से लिखना चाहूंगा कार्नोट का। साइकिल दो तरह की होती है, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। जिस साइकिल में एक भी प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया, सॉरी, एक भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया, वो फिर इरिवर्सिबल ही कहलाएगी, भले ही उसमें बाकी के रिवर्सिबल हो। तो रिवर्सिबल साइकिल के अंदर हमारे लिए जो नीटा की वैल्यू होगी वो हमारे लिए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100, या फिर T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100 होगी। जबकि यहां नीटा की वैल्यू, नीटा यहां पर एफिशिएंसी शो कर रही है, यहां नीटा की वैल्यू हमारे लिए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100 होगी, जो कि काफी कम होगी। T1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, अगर ये ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं होगा, वो गलत साइकिल दी हुई है या आपसे गलती हो रही है। हमेशा ये कम आएगी ये इससे, अगर ये ज्यादा आ रही है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये हमारे लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पहला पॉइंट इसके लिए। दूसरा स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस को फिजिबल भी बोलते हैं, फिजिबल प्रोसेस, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, हम देख सकते हैं आराम से अपनी उम्र में देख लेंगे। ये इतना स्लो होगा, इतना स्लो होगा कि मरने के बाद भी देख लो बड़ी मुश्किल है, ठीक है ना? तो यहां हमारे लिए फिजिबल है, ये हमारे लिए इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम को हम यानी बहुत ही स्लो, इसके लिए अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम को हम बोल सकते हैं कि एक बहुत स्लो प्रोसेस है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, या हम इसको आइडियल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और आइडियल प्रोसेस अपने आप में नॉन फिजिबल ही होते हैं, नॉन फिजिबल, सिर्फ पेपर पे ही बनाया जा सकता है इसको। ये हमारे लिए फास्ट प्रोसेस है, सही है? तो जितना प्रोसेस फास्ट करना चाहते हैं, आप रॉकेट की तरह उठाना चाहते हैं, जर्क चाहिए, बहुत ज्यादा वर्क एकदम से चाहिए, उसमें उतने ही ज्यादा इरिवर्सिबल प्रोसेस आएंगे।
ये हमारे, और जितना स्लो होता जाएगा उतने ही रिवर्सिबल प्रोसेस होते जाएंगे, 100% रिवर्सिबल तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है? किसमें ज्यादा पावर मिलती है, बीएमडब्ल्यू में या मारुति 800 में? बीएमडब्ल्यू में, तो उसके अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ज्यादा तेजी से यूज किए जा रहे हैं, ज्यादा अमाउंट में। किसका एवरेज ज्यादा अच्छा होगा? मारुति 800 का, पावर कम, स्लो है इसका मतलब, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे रिवर्सिबल की तरफ लेके गए। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे लिए छोटा सा पॉइंट रहा कार्नोट साइकिल की फिफ्थ नंबर की एप्लीकेशंस। कुछ और टर्म्स हमारे काम आ रही है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कार्नोट साइकिल, हेडिंग डाल लीजिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कार्नोट साइकिल। हम कार्नोट साइकिल को सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे लिए एक होता है हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, फिर आता है इंजन, फिर आता है कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर को हम सोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। इतना एनर्जी है, इतना एनर्जी है कि टेम्परेचर कम ही नहीं हो रहा है, कितनी हीट निकाल लो आप उसमें से, Q1 एनर्जी निकाल दिया। और कोल्ड रिजर्वायर को हम बोलते हैं सिंक, कितनी एनर्जी दे दो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जैसे हमारा एटमोसफियर, कितनी एनर्जी दे दो आप, दो सूतली पंप फोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा मत सोच लेना, ठीक है ना, कि आप एटम बम भी फोड़ने लग जाओ, नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं। तो Q1 Q2, और इंजन क्या करता है, वर्क करता है, कितना करेगा? Q1 ले रहा है Q2 डिवाइडेड बाय 100, Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। बाकी वर्क कितना आ रहा है आपके पास, ये तो एफिशिएंसी हो गई, और वर्क आ रहा है आपके पास Q1 माइनस Q2, ये एक तरफ एफिशिएंसी लिख दिया आपने और एक तरफ आपने वर्क लिख दिया। हॉट रिजर्वायर की डेफिनेशंस क्या होगी? इट इज अ रिजर्वायर विच हैविंग ए कॉन्स्टेंट हाई टेम्परेचर बाय लूज और गेन एनी अमाउंट ऑफ हीट। कोल्ड रिजर्वायर, इट इज अ रिजर्वायर और स्पेस और प्लेस वर्क एट लो टेम्परेचर, एंड लो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, बिकम कॉन्स्टेंट बाय गेन और लूज एनी अमाउंट ऑफ हीट। तो जनरली तो ये गेन करता है, और क्योंकि कम है तो इसका काम गेन ही कर रहेगा और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके चलेगा। तो आपने हॉट कोल्ड रिजर्वायर की डेफिनेशंस लिख ली, बोलो आ गया समझ में? तो कोई बहुत ज्यादा टफ पॉइंट नहीं है, कार्नोट साइकिल बहुत इजी था। लेकिन कार्नोट साइकिल ने एक और हिम्मत वाला काम कर दिया, और वो था हमारे लिए एक नए थर्मोडायनामिक्स रूल को स्टेब्लिश कर दिया। मैंने पूछा कैसे, उसने बताया कि देखिए आप इतना तो मान गए कि 100% हीट को वर्क में चेंज नहीं कर सकते थे, जबकि फर्स्ट लॉ से तो आप किसी भी हीट को किस कन्वर्ट कर सकते थे, तो वहां कहीं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी, यहाँ है, हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इन फुली 100% मतलब इन वर्क। तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ एंड बेनिफिट ऑफ सेकेंड लॉ। तो हम यहीं से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के को लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बिल्कुल लिखिए यहां से, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखाने से पहले मैं आपको लिमिटेशंस लिखाऊंगा, लिमिटेशंस ऑफ क्या रहेगा आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
लिखिए।